कुशवाहा कचहरी रोड स्थित सिटी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को आंख का ऑपरेशन कराना बहुत महंगा पड़ गया। व्यक्ति आंख की रोशनी के लिए ऑपरेशन कराया, लेकिन उसकी पूरी रोशनी ही चली गई। ऑपरेशन आंख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णेदु बिमल के द्वारा किया गया था। बताया जाता है कि जब बिशुनपुरा निवासी मिथिलेश प्रसाद गुप्ता अपनी आंख के ऑपरेशन करवाए थे, ऑपरेशन के कुछ दिन बाद आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखवाया था। इसके कुछ देर बाद हॉस्पिटल में हंगामा होने लगा तो पता चला कि घायल के परिजन हैं। पुलिस डॉक्टर को थाना लेकर चली गई। मामला ये है कि एक पेशेंट की इलाज हमारे यहाँ 2 महीना पहले हुआ था और उस इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक थे। 2 महीने के बाद उनकी दूसरी दिक्कत आई। वह 2 महीने पहले कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद उनकी पूरी अच्छी रोशनी थी और उसके 2 महीने के बाद उनको रेटिना में कुछ दिक्कत आई, जिसका ट्रीटमेंट ही वो कहीं दूसरी जगह कराए हैं। और उस ट्रीटमेंट को कराने के बाद वो हमसे पैसा डिमांड करने लगे, मुझे धमकी देने लगे, मुझे कहने लगे कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। और इसको लेकर के वो कल हंगामा किए, बहुत कुछ आरोप लगाए और मारने वगैरह की भी बात कर रहे थे। तो मैं बाद में हटेगा कि मैं प्रशासन बुला लूँगा, तब फिर मैं लोगों के सामने आऊँगा, इसलिए मैं किसी के सामने नहीं आया। उसके द्वारा आरोप लगाया गया था कि हमारे पिताजी का एक आँख ऑपरेशन हुआ, दूसरे दोनों आँख डैमेज हो गया। अब तो कुछ भी कहने के लिए कह सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तो कोई दूसरा डॉक्टर देख कर डॉक्यूमेंट दे सकता है कि क्या अंतर है, कैसा हुआ। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर पूर्णेंदु बिमल। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।